गुरु ग्रंथ साहिब जी जो कि सिर्फ सिखां दे नहीं बल्कि समुची मानवता दे रहबर कहलाए जांदे ने। ते हर एक धर्म दे लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी दा बहुत सतिकार करदे ने, प्यार करदे ने। दुनिया भर दे जिन्ने भी महान ग्रंथ आ उन्हां दे विच्चों किसे नूं वी उह दर्जा नहीं मिलिया जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं प्राप्त आ। ते इह शब्द असीं ही नहीं कह रहे बल्कि संसार भर दे विश्व प्रसिद्ध विज्ञानी, विद्वान, इतिहासकार ते फिलोसफर उन्हां दे द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपमा ते महानता करदे होए कहे गए ने। उन्हां बारे अज तुहानू वी दसांगे। ते वड्डी गल तां इह है कि इह उह लोक आ जिहड़े सिख धर्म दे नाल संबंध तां नहीं रखदे पर इन्हां दा गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रति अथाह प्यार, सतिकार ते श्रद्धा देख के बड़ी हैरानी हुंदी है। ते नाल दी नाल माण वी महसूस हुंदा आ। क्यों? क्योंकि सानू मौका मिलिया, असीं सिख धर्म दे विच जम्मे हाँ ते साडा गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब जी। ते आओ जानदे हाँ कि इन्हां विश्व प्रसिद्ध फिलोसफरां विद्वानियां दे वल्लों गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सतिकार दे वास्ते जो महान शब्द उन्हां ने कहे आ उह की ने। सब तो पहला गल करते हाँ मिस पर्ल एस बक जो कि अमरीका दी एक महान विद्वान रही है। मिस पर्ल एस बक उतों दी नोबल पुरस्कार जेतू। इन्हें दुनिया भर के जड़े महान ग्रंथ उन्होंने अध्ययन किया। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी अंग्रेजी अनुवाद तो बाद अध्ययन करन तो बाद इन्हें लिखा कि दुनिया भर के जड़े महान धर्म आ उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया पर जो दिल ते दिमाग नूं टुंबण वाली शक्ति इन्हां पोथियां दे विच्चों मिली ओह होर कितेओं मैनू नहीं लभी। सिख धर्म किसी भी धर्म दे नाल संबंध रखण वाले लोग जां फिर जो किसी धर्म दे नाल संबंध नहीं भी रखदा उन्हां लोकां बारे गल्लां करदा आ। ते नाल दी नाल मनुखी दिल ते खोजी दिमाग नूं संदेश भी दिंदियां ने इह पोथियां, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी। असल दे विच सिख धर्म सारे धर्मां दी सिरमौर शान आ। अज दे हनेरे युग दे विच अज्ञानता नूं दूर करन दे वास्ते गुरु नानक साहिब दे प्यार दा संदेश ही मनुखता नूं ते इस संसार नूं बचा सकदा है, उहदा भला कर सकदा है। कबीर साहब फरमाउंदे ने कोई गावै को सुणे हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। भाव के जिहड़ा भी बंदा, जो इंसान, जो मनुख प्यार दे नाल चित ला के उस प्रभु परमात्मा दे गुणां नूं गाउंदा है, उन्हां दी विचार करदा जां उन्हां नूं सुणदा है, गाउंदा है ते सुणदा है, हे कबीर मैनूं कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है कि वह अंत विच जिहड़ी परम गत आ, सब तो उच्ची आत्मक अवस्था आ, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिस अवस्था नूं सब तो वध महानता दित्ती गई है त्रै गुणा तो भी उपर, उस अवस्था नूं उह पा लैंदा है। हुण देखो इत्थे किसी भी धर्म की गल नहीं की गई, कबीर साहब ने किसी धर्म के लोग की गल नहीं की, उन्होंने सिर्फ इन्ना कहा आ कि जिहड़ा भी बंदा चाहे वह किसी धर्म नाल संबंध रखता आ चाहे नहीं भी रखता, जेकर वह परमात्मा दे गुणगान करता आ, गुणा नूं सुणदा आ, गाउंदा आ, तां उह इस अवस्था नूं हासिल करन दे योग हो जांदा है। एच एल ब्राडशाह सिख धर्म की फिलोसफी नूं पूरी तरह नाल जानण तों कोखण तों बाद अमरीका का यह प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर एच एल ब्राडशाह लिखता है कि सिख धर्म सर्वव्यापी विश्व मत है जो कि पूरी समुची मानवता दे भले दे वास्ते है, भले की गल करता है। तो ये गल जिहड़े सिख गुरु साहिबान आ उन्हां दीआं लिखतां तों भली भांत स्पष्ट हो जाती है। उसने कहा है कि भविख दे विच इको ही अजिहा धर्म आ जिहड़ा मनुखता दे भले विच सहाई होवेगा, वह है सिख धर्म। हुण इत्थे भी ब्राडशाह ने किसी खास धर्म के लोगों की गल नहीं की, मानवता की गल की है, जिहड़ा समुची मानवता की गल करता है वह है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इस तरह होए ने मैक्स आर्थर मैकालफ। मैकालफ ब्रिटिश सरकार का लेखक सी, इंदे वल्लों लिखिया हुई बहुत सारिया पुस्तकों का पंजाबी अनुवाद अज के समय में बहुत ही आसानी के नाल मिल जाएगा जेकर तुसी पढ़ना चाहते हो। तो दस दिए कि मैकालफ साहब भाई कान सिंह नाभा के बहुत खास मित्र रहे ने। ते अपने मरण तो पहला, मौत तो 10 मिनट पहला मैकालफ ने जपजी साहब का पाठ किया। इन्ना मतलब गुरबाणी के नाल इन्हों का भी बहुत प्यार सी, श्रद्धा रखते सी गुरबाणी के। 1899 की गल है जदों अकाल बुंगा अमृतसर साहब विखे इन्होंने कहा कि बहुत धर्म होया, बहुत गुरु होया, पर किसी भी गुरु ने अपने हथी पंक्तियां लिख के नहीं दित्तियां। सिख बहुत ही भागा वाले आ,
जिन्हों के गुरु उन्होंने अपने हाथी लिख के गुरबाणी दे के गए ने। ते देखो ये जिहड़ी गुरबाणी लिख के दे के गए आ सानू गुरु साहिबान सिर्फ लिख के ही नहीं दे के गए, जिहड़ी जीवन जांच सिखाई गई है, जो सानू कुछ सिखाया गया गुरु साहिबाना दे वल्लों गुरबाणी दे विच, ओह सारा कुछ पहला उन्होंने अपने जीवन दे विच भी अपनाया सी। अपना उन्होंने जीवन ओहो जिहा सी, साडे वास्ते उदाहरण पेश करके गए आ कि इदां इदां असीं भी जिंदगी नू जीउणा आ, जो भी सारा कुछ आ, ते फिर सानू अगे उस चीज़ा सिखा के गए ने। यानी कि सिर्फ लिख के नहीं दे के गए, पहला अपने जीवन दे विच उन्होंने सारा कुछ ढाल लिया, तो फिर अगे सिखा नू वह चीज़ा दे के गए ने। स्वामी राम तीर्थ दंडी सन्यासी, इन्हां दी गल करदे आ। ये स्वामी जी धर्म ते भारतीय संस्कृति दे एक महान दार्शनिक ते तकड़े विद्वान होए ने। इन्होंने अपने जीवन काल दे विच वेदा पुराणा उपनिषदा ते सिमरतियां की खोज करके बहुत सारिया पुस्तकां लिखिया, ते फिर सारे ये धर्म ग्रंथां तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी अध्ययन किया। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का अध्ययन करन तो बाद इन्होंने कहा, फरमाया कि जीवन भर में साधु संतों की संगत की, तप साधे तीर्थ भ्रमण किया, अंत इस निश्चय पर पहुँचा कि जो कुछ गुरु घर में है उससे उत्तम और कहीं नहीं। सिंपल आ, इन्होंने जो क्या उहदा भाव जिहड़ा आ उह आसानी दे नाल समझ आउंदा आ कि अपने जीवन काल दे विच इन्होंने बहुत सारे साधुआं संतां दी संगत की, तप भी किते, तीर्थां अस्थानां दे दर्शन भी किते, ते फिर सारा कुछ करके हर तरह के कर्मकांड करके जो कुछ हो सकता सी उस तो बाद अखीर इस नतीजे ते पहुँचे आ कि जो कुछ गुरु घर दे विच आ, जिहड़ियां बरकतां जिहड़ी कृपा गुरु घर दे विच आ, उहदे तो उत्तम होर कुछ नहीं है। गुरु घर तो गुरबाणी तो उत्तम होर चीज़ कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने सिख धर्म की जिहड़ी जीवन जांच आ, सिखां दा जीवन किहो जिहा, गुरबाणी की कहिंदी है, उसका अध्ययन करन तो बाद एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम आ सर्वोत्तम आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते सर्वोत्तर धर्म खालसा पंथ। उहदे विच पुस्तक दे विच इन्होंने लिखिया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी महाकल्याणकारी बाणी है, ते ये जिहड़ी बाणी है किसी एक खास वर्ग के वास्ते नहीं सगों समूह मानवता दे लई है। डॉक्टर राधा कृष्णन जो कि भारत के सबका राष्ट्रपति होए ने, इन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का अध्ययन किया। तो ये जिहड़ा अध्ययन हुंदा है, जो स्टडी है, किवें कीती जाती है, ये सब तो पहला जिहड़े किसी ना किसी नतीजे ते पहुँचते हैं, सारे धार्मिक ग्रंथां का अध्ययन किया जाता, उन्होंने पढ़िया जाता है चंगी तरह की लिखिया क्यों लिखिया, तर्क करके सारा कुछ जानन तो बाद जिस नतीजे ते पहुँचते हैं उहदे ते फिर किताब लिखी जाती है किस किस दे विचों उन्हां नूं की चीज़ सीखण नूं मिली। तो उस सारे अध्ययन तो बाद डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी लिखिया अपनी स्टडी तो बाद कि गुरु ग्रंथ साहिब जी सारे पीरां भगतां फकीरां ते गुरुआं दी जीउंदी जागदी आवाज़ हन। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिन्हां ने सर्ब हिंद श्रोमणी सिख प्रचार कॉन्फ्रेंस के गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति अपनी श्रद्धा भेंट करते हुए ये कहा सी कि दो मुख कारण करके सिख धर्म साडा वधिया ध्यान मंगता है कि साडी खिच उहदे वल पैंदी है सिख धर्म के वल। वह दो कारण किहड़े ने, पहला तो ये कि जो लोग शांति ते माण सतिकार चाहते ने उन्हां दे वास्ते सिख धर्म एक रूहानी घर है, दूजा अपनी गल करते हैं कि मेरे वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी एक रूहानी मार्गदर्शक ने, ते मैं आस करता हाँ जिहड़ी चीज़ मेरे वास्ते बहुत वधिया आ वह बाकी सारे जगत के वास्ते बाकी सब लोगों के वास्ते भी उन्होंने भले विच सिद्ध होवेगी। फिर वह कहते हैं कि असी हिंदुओं के धार्मिक ते समाजिक ना बराबरता तो बहुत परेशान हाँ, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी जात पात तो रहत बराबरता का समाज सिरजन की प्रेरणा देंदे ने, कि ओही गल आ गई कि समुची जिहड़ी मानवता या मनुखता या उहदे भले की गल करते हैं, किसी एक जात जां जो भी है किसी एक धर्म की गल नहीं करते, समुची मानवता की गल करते हैं, ये कोई जात पात कोई वितकरा नहीं किया गया। एक होए ने डॉक्टर मुहम्मद यूसुफ अब्बासी जो कि पाकिस्तान के कायदे आजम यूनीवर्सिटी के इतिहास विभाग के मुखी रहे ने। वह गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति अपनी निरपक्ष राय प्रगटाते हुए यह कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब विश्व ज्ञान का खजाना है। विश्व ज्ञान यानी कि पूरे दुनिया भर का संसार भर का विश्व का ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब जी के कोल है। जिन्हों कोई भी चीज़ चाहिए है, कोई नॉलेज चाहिए है, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के कोलों उन्हों मिल सकती है।
गुरु ग्रंथ साहिब जी एक विशाल समुंदर दे वांगिया जिदे विचों हर एक अभिलाषी नू उदे मन पाउंदे हीरे मोती जवाहरात मिल सकदे ने। बर्ट्रंड रसल दी गल करदे आ जो कि 1950 दे विच नोबल पुरस्कार जेतू रहे ने ते फिर ये बरतानिया दे प्रसिद्ध दार्शनिक ते गणित दे विज्ञानी रहे ने। यह गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रति लिखदे ने कि सिख धर्म ते इस धर्म दा जिहड़ा धार्मिक ग्रंथ आ गुरु ग्रंथ साहिब जी उदे कोल समुची मानवता जां फिर विश्व नू देण वास्ते कुछ महत्वपूर्ण ते कुछ विशेष आ दसन दे लई देण दे वास्ते। ते नाल ही तीजे विश्व युद्ध तों बाद जिहड़े तीजे विश्व युद्ध दे विच जेकर हुंदा आ तां उहदे विच जो एटम या हाइड्रोजन बंब चलदे आ उहनां दी मार दे हेठों आउण तों जेकर कोई खुशकिस्मत इंसान बच जांदा आ तां उहदे जीवन नू सेध देण वाला इको एक सिख धर्म वसीला होगा। किसी ने उन्होंने पूछा सी कि तुसी युद्ध तो बाद की गल की है कि इस युद्ध तो पहला मनुखता की अगवाई करन दी समर्था सिख धर्म नहीं रखता, तो फिर रसल ने कहा सी कि समर्था तो पूरी रखता है पर सिख लोग जिन्होंने इस धर्म ग्रंथ के इस धर्म के जड़े बेहतरीन असूल आ जो पूरी मनुखता के वास्ते होंद विच आए ने उन्होंने कदे हवा ही नहीं लवाई, यानी कि कदे लोगों नू दसे ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का सतिकार करना बेहद जरूरी है पर नाल दी नाल ये भी जरूरी है कि सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नू खुद पढ़दा उनू विचारदा ते फिर बाकी दुनिया नू बाकी लोगों नू भी उस बाणी नू पढ़न दे वास्ते प्रेरित करदा, पर उन्हें अजिहा नहीं किया। यह उसका सब तो वड्डा दोष या कसूर है जिदे तो वह कदे मुक्त नहीं हो सकता, जिन्हों वह झुठला नहीं सकता। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जिहड़ी आ असी सिख लोग हाँ जिन्हों जे माण महसूस करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी साढ़े धार्मिक ग्रंथ आ, असी सिख धर्म के पैदा होए बहुत व्डिया व्डिया गल् करते हैं असी लोग, सानू सब तो पहला तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ही पढ़ लेनी चाहिए आ। पर जेकर सिख ने खुद बाणी नहीं पढ़ी या कह लो कि इस विशाल समुद्र गुरु ग्रंथ साहिब जी रूपी विशाल समुद्र दे विच असी खुद ही उहदे विच हीरे जवाहरात नहीं लभे, उहदे तो बाहर दे असी जिहड़े नालियां टोबे आ उहनां दे विच तारियां लाउंदे फिरदे आ तां असी बाकी लोकां तक ज्ञान किद्दां पहुँचावांगे, उहनां नूं किवें प्रेरित कर सकांगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ो। खुद ही इस प्यास नूं नहीं बुझाया तां बाकियां दी प्यास नूं किवें बुझावांगे, इह सोचण वाली गल आ। गुरु साहिबानां ने सिख धर्म दा सिखी दा प्रचार कीता आ प्रसार कीता आ ते वो साडा भी फर्ज़ बनता है कि असी भी सिखी नू प्रचारीए उदा प्रसार करिए लोगों नू खुद पहला बाणी दे लड़ लग जाइए फिर उस तो बाद लोगों नू इहदे बाणी दे लड़ लईए, क्योंकि सिख धर्म नू एक होर चंगा धर्म इहनू इह समझणा असी छड्ड दईए सगों इहनू एक नवे युग दा धर्म समझना शुरू करिए ते एक बेहतरीन धर्म समझना शुरू करिए। बाकी दे धर्म भी सारे बहुत वधिया ने सारे सच लिखदे आ पर पूर्ण सच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ही लिखिआ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच किते अपने बारे गल नहीं की कि सिर्फ मैं वाली गल नहीं की कि तुसी अपना ही सोचो, मनुखता दे भले की गल की है। जिन्होंने गुरबाणी लिखी है उन्होंने भी अपने भले की गल नहीं लिखी, उन्होंने एक अकाल पुरख की उपमा की है उसकी महानता दर्शाई है तो फिर पूरी सृष्टि की जिहड़ी भलाई है उस बारे गल की है। इस करके कह सकते हैं कि इस धर्म जिहड़ा धर्म है यह सब तो बेहतरीन धर्म आ। गुरु नानक साहिब जी दे वलों साजिया गया धर्म नवे युग का धर्म है ते इहदी जिहड़ी फिलोसफी है वह भी आधुनिक आ अज दे युग दी आ। दुनिया भर के जिन्हें भी धार्मिक ग्रंथ आ उन्हां सारयां दे विचों गुरु ग्रंथ साहिब जी ही अजिहे आ जिन्होंने ये गल कही है। इस सृष्टि इस संसार तो इलावा होर भी बहुत सारिया सृष्टिया ने बहुत सारे संसार ने इन्नी बरीकी दे विच एक एक चीज़ नूं समझाया गया है कि ये जिस आप जो पढ़ांगे उदों ही इस चीज़ नूं समझ सकांगे। हालांकि किसी नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूर्ण सोझी नहीं आ सकती पर असी एक शुरुआत कर सकते हाँ। ताज़ा खबरां ते नवीं जानकारी भरपूर वीडियोज़ देखने वास्ते सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल सुरखाब टीवी। जेकर तुसी इस वीडियो नूं फेसबुक उत्ते देख रहे हो तां साडा फेसबुक पेज रहमत टीवी भी लाइक ते फॉलो कर लो।